में डाले डाले जा रहे हैं, देख सकते हैं। ये तकरीबन अभी हम एक मन का ना 2 किलो गांठ ले रहे हैं, यानी कि 40 किलो की 2 किलो गांठ ले रहे हैं, और अभी हमारी इन्वेस्टमेंट तकरीबन 30 लाख की होती है। और एक दिन में कितनी पिसाई हो जाती है? ये तकरीबन 25-30 मन पिसाई कर रहे हैं। और कितनी प्लेटें लगी हुई है और कितनी प्लेटों को कितना इन्वेस्ट किया आप लोगों ने? तकरीबन हमारा 30 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया और 40 प्लेट में। मुझे बताएं कि ये चलती कैसे है, ये सब कुछ मुझे यार। हमने ये सिस्टम लगाया हुआ है, ये देखो सारा सिस्टम हमने टोलर पे लगाया हुआ है। यहाँ पर आप इधर डाले डाले, ये सारा साइक्लोन सिस्टम है, ये मोटर लगी हुई है, ये सारा दुकान है सोलर वाला। यहाँ पे साइक्लोन भी आते थी और यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा कितना अच्छा आटा बन गया है। ये देखो तो ये छुपाई वाले बच्चे लगाई हुई है, ये तकरीबन 3 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया, 7.5 लाख का ये सिस्टम है, साइक्लोन सिस्टम है, बहुत अच्छा दुकान है। और माशाला यहाँ से ये देखो दाने जा रहे हैं, ये दाने यहाँ से इधर पे जाते हैं, यहाँ से आटा बनता है, यहाँ से लेकिन वापिस आ रहे हैं। ये हमारा सोलर सिस्टम है, ये हमने ब्रेकर लगाए हुए ऊपर से, ये देखो ये हमने 100 पेयर का लगाया हुआ है, और ये सारा सोलर सिस्टम ये हमने 22-30 का इन्वर्टर लगाया हुआ है। ये हम इसके ऊपर 3 मोटर है, इसमें वन टाइम हम 3 मोटर चलाते हैं, 22-30 का इन्वर्टर लगा हुआ है। तकरीबन ये 1.30 के अंदर बार होगा, तकरीबन 1.30 लाख के अंदर अंदर बार होगा। ये 22-30 का 22-30 के बीच का अभी इसमें डाले डाले जा रहे हैं, देख सकते हैं। ये सेटअप बहुत मुझे पसंद आया क्योंकि लोग ऊपर चढ़ के दाने डालते हैं चक्की में। ये चक्की देखें गाइस, ये चाइना वालों ने कमाल कर दिया गाइस। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नई नई चक्कियां निकल रही हैं, ये मैंने पहली दफा देखी है ऐसी चक्की। तो गाइस मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, और कितना इन्वेस्ट हुआ है सब कुछ हमने वीडियो में बताया गया है। और भाई ये देखें अभी आटा चेंज कर रहे हैं क्योंकि बोरा भर गया था पूरा, और इससे पूछते हैं कि ये मन का क्या हिसाब किताब है, और सब कुछ आपको डेढ़ में बताएंगे। तो भाई ये देखें आप देख सकते हैं अभी चल पड़ी है, और इनके पास ना बहुत रश रहता है, हर टाइम रश रहता है, ये सब आटा आया हुआ है। और ये देखें आप भाई से रब्ता करते हैं कि क्या हिसाब किताब है इनका। तो भाई इन्होंने कंप्यूटर कंडा भी रखा हुआ है भाइयों ने, यहाँ पर ये तोल के बताते हैं कि कितना किसी का हो गया है। ये देखो भाई जान, हमने ये जाली रखी हुई है, ये इनसे आटा बनाते हैं, इनसे ये 22 की जाली है, इसमें आटा ब्रेक बनता है, मोटा बनता है, और माशाल्लाह हमारे पास हर चीज़ का आटा मिल सकता है। और ये हमने दलिया की जाली रखी हुई है, ये इसे हम दलिया बनाते हैं, मकई का बनाना हो, गंदम का बनाना हो, माशाल्लाह बहुत अच्छा गंदम दलिया बनता है। ये भी हमने जाली वगैरह रखी हुई है, मतलब कि यूज़ हुई है, तो यूज़ करने के बाद जो खराब हो जाती है ये वही जाली है। गाइस हम आ गए हैं भाई, और भाई से पता करते हैं कि ये मन का क्या हिसाब किताब लेते हैं, और सब कुछ आपको डिटेल बताएंगे, और पूछेंगे कि कितनी प्लेट्स होते हैं, क्योंकि ये वहाँ अंदर शोर था, हमें खुद भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो हम आ गए हैं भाई, और भाई से पता करते हैं कि मन का क्या हिसाब किताब लेते हैं। तो आप बताएं मुझे मन का क्या हिसाब किताब जी। हम अगर सफाई करनी हो ना, हम सफाई के साथ हम 2.5 किलो गांठ ले रहे हैं, अगर सफाई मतलब कि घर से करके आती है तो मन की 2 किलो गांठ ले रहे हैं। पैसे वगैरह कुछ नहीं ले रहे? नहीं, ये पैसे वगैरह हम पिसाई वगैरह कुछ नहीं ले रहे भाई। तमाम के भी ना मौजे लगे, पहले पिसाई के 200-300 रुपए मन का लेते थे, अभी फिलहाल सिर्फ 2 किलो आटा ले रहे हैं,
और ये गाइस साइक्लोन चक्की का नाम है और गाइस ये प्लेटों पर चलती है। और आपने प्लेटें कितनी लगाई है मुझे? जी 39 प्लेट पे हमारा ये सिस्टम चल रहा है। 39 प्लेट पे ये सेटअप चल रहा है। कितने महीने हो गए आपने स्टार्ट किया ये? तकरीबन हमारा ये दूसरा मंथ चल रहा है। तो आप अच्छा सेटअप चल रहा है, कैसा है, क्या है? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप चल रहा है। काफी हमारे पास गाती भी बहुत है, कस्टमर भी बहुत है हमारे बन के। माशाल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम है हमारा, सही निजाम चल रहा है। एड्रेस बताएं आप। जी हमारा ये मैंने फतेहपुर पंजाबियों में लगी हुई है, नजद बल्लू फर्नीचर के पास। तो गाइस आप जरूर यहाँ पर विजिट करें फतेहपुर पंजाबियों में। और भाई ने सब कुछ डिटेल में बताया है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अभी देखें मेरा कैमरा मैन दिखा सकता है गाइस, ऊपर ऊपर बादल बने हुए हैं। और बादलों में आपका कोई ऐसे कोई नुकसान वगैरह तो नहीं होता? नहीं नहीं कोई नुकसान नहीं हो रहा, हमारा सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। बादलों में चलता है नहीं चलता? जी जी चलता है, चलता है। बादलों में कैसे, ये तो सोलर ये रात वाले लगी हुई है, ये धूप वाले लगी हुई? ये धूप वाली है, लेकिन ये देखो हमारा जो प्लेटों का सिस्टम लगा हुआ है, ये हमारे मोटर जो लगाई है वो भी हैवी लगाई हुई है, हमारा सिस्टम अच्छा चल रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।